इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक अपडेट पहुंचा रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नजदीक की ये तस्वीरें जहां पर बादल फटा है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से इस इलाके में टेंट लगे हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेंट को नुकसान पहुंचा। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, अपडेट लेते हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए रोमान, जो जानकारी मिली है ये 5:30 बजे की घटना है, जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है अमरनाथ गुफा के ऊपरी वाले हिस्से में, इलाकों में हुआ है, पहाड़ पर हुआ है। इसका पानी जो है नीचे आया है, यहाँ पर होली केव के नीचे की तरफ आया है लोअर पोर्शन से, जहाँ हम लोग वीडियो में भी देख रहे हैं कि जो जो जहाँ पर टेंट लगे हुए हैं जी, तो वहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके लिए NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, SDRF की स्टेट हिफाजत फोर्स है और साथ ही जो ITBP और DSF वहाँ पर तैनात है, उन सबको भी कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत वहाँ पहुंचे और पता लगाए कि किस तरह का कितना बड़ा नुकसान इस क्लाउड बर्स्ट से यहाँ पर हुआ है। आप ये बता रहे हैं कि अभी शाम में 5:30 बजे के आसपास ये बादल फटा है और ऊपर की तरफ बादल फटा है और बादल फटने के बाद वो जो पानी का तेज बहाव है जहाँ पवित्र गुफा है अमरनाथ गुफा, अब उस तरफ ये पानी का रेला आ रहा है, ये जानकारी आप दे रहे हैं? बिल्कुल रमाना, बिल्कुल ठीक कहा, ये बिल्कुल होली केव के ऊपर यानी कि गुफा के ऊपरी वाले इलाके में वहाँ पर बादल फटा है और जैसे कि हम लोगों को वहाँ से वीडियो आए हैं जो वहाँ पर तैनात जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने भेजे हैं, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो पानी है उस बादल फटने का क्लाउड बर्स्ट का वो नीचे आ रहा है, जहाँ पर जो लोग जैसे कि हम लोग देखते हैं अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए जो यात्री जाते हैं उनके लिए रहने के लिए वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और लोकल जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी लगाते हैं, तो वहाँ पर ये पानी जा रहा है, तो ये अभी डैमेज कितना हुआ है इस पानी के बहाव से इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी जो जानकारी एक और आई है कि बारिश जो है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी वहाँ पर सुबह से, वो अब बारिश जो है रुक गई है इस क्लाउड बर्स्ट के बाद। लेकिन इस सब के बीच क्या खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नीरज, क्योंकि अचानक से ये बादल फटना और पानी का ये रेला अब जो नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है और नीचे की तरफ ये वही रास्ता जहां से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में खतरा कितना बड़ा? तो अब से करीब 1.5 घंटे पहले अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, ये तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5:30 बजे के आसपास का वक्त था जब पवित्र अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर बादल फटा और उसके बाद ये पानी का तेज बहाव नीचे की तरफ आते हुए, और ये नीचे वो इलाका जहां पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जाते हैं, उनके रुकने का इंतज़ाम होता है, उनके ठहरने का इंतज़ाम होता है, यहीं पर लंगर भी लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है इस बादल फटने की घटना को लेकर, जान का तो किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, गनीमत ये रही है, लेकिन हाँ कुछ टेंट्स को नुकसान पहुंचा है क्योंकि तेज पानी के बहाव की चपेट में वो आए हैं। साथ ही जो लंगर का इंतजाम था वहां पर जहां यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था की जाती है उसको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल NDRF SDRF की टीम जो पहले से ही मौके पर तैनात की गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम को लेकर इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है, तो प्रशासन पहले ही चौकस था। और ये नई तस्वीरें अब आपके सामने, इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से मोर्चे पर ITBP के जवान, SDRF NDRF की टीम्स जो मौके पर ही मौजूद हैं, लोगों को अलर्ट कर रही हैं, जिस तरफ से बादल फटने के बाद पानी का ये तेज बहाव आ रहा है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है ताकि जान का नुकसान होने से बचाया जा सके। तो बादल फटने के बाद की ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। अमरनाथ यात्रा 30 जून से इस साल शुरू हुई थी और आज अचानक से अभी शाम के वक्त करीब 1.5 घंटे पहले 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अचानक से
पवित्र अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर ये बादल फटा। अच्छा, मौसम जो है वो पिछले कुछ दिन से इसी तरीके का बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी खराब मौसम की वजह से बीच में कुछ वक्त के लिए इस यात्रा के एक हिस्से में यात्रियों को रोका भी गया था, लेकिन अब दोबारा से सुचारू रूप से यात्रा शुरू हो गई थी। पर यह घटना बादल फटने की, ठीक पवित्र गुफा के ऊपर बताया जा रहा है कि बादल फटा है और उसके बाद पानी का ये तेज बहाव नीचे की तरफ आते हुए उस हिस्से में जहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट्स लगाए गए हैं, जहां लंगर की व्यवस्था, वहीं पर अब ये पानी का तेज बहाव गुजर रहा है। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।